काउंटर कंट्रोल्ड रिपीटेशन, हम काउंटर कंट्रोल्ड रिपीटेशन को फिर देखते हैं। और तो अब एक और एग्जांपल लिया हमने, जो एग्जांपल है उसमें एक व्हाइल लूप स्टार्ट किया है, उससे पहले काउंटर को वन किया है, काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 लिया है और प्रिंट किया है काउंटर को। मतलब हम 1 से 10 तक प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि काउंटर में ये वैल्यू को एक एक से इंक्रीज कर रहे हैं। इसका आउटपुट देखें, आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका आउटपुट है। इसमें काउंटर नाम से जो वेरिएबल लिया है इसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि लूप जो है उसमें जो कंडीशन लगी है वो इसी वेरिएबल पर लगी है, इसलिए हमको इसको कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। और ये काउंटिंग का काम करता है, इसलिए इसको लूप काउंटर भी कहते हैं। इसको इनिशियलाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कंडीशन लगेगी तो इसकी कोई इनिशियल वैल्यू होगी उस पर लगेगी, इसलिए इसको सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, जो जहाँ की हमने वैल्यू 1 दे रखी है। उसके बाद में कंडीशन में यहाँ ये टेस्ट होगा कि ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, ये ट्रू है, तो वो लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और ये लूप कभी नो भी कहे, कभी फॉल्स भी हो, इसके लिए काउंटर प्लस प्लस लिख दिया, ये इंक्रीमेंट का काम करता है। हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं, तो ये प्रोग्राम है, हेडर फाइल इंक्लूड किया है, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में काउंटर को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यू 1 दे दी। रिपीटेशन स्टेटमेंट व्हाइल रिपीटेशन, जिसमें काउंटर पे कंडीशन लगा दी लेस देन और इक्वल टू 10, काउंटर को प्रिंट कर दिया और काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर दी, लूप का ओवर हो गया और बाद में प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। कंपाइल और रन करके देखते हैं, कंपाइल हो गया, रन किया, जो आउटपुट हमने देखा था वैसा आउटपुट हमें मिल गया। फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट, फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट क्या होता है? ये रिपीट करता है, ये किसी भी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करना चाहें उसके लिए सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में काम में लिया जाने वाला एक स्टेटमेंट है, रिपीटेशन स्टेटमेंट है। हम देखते हैं कुछ एग्जांपल लेके। तो एक व्हाइल का एग्जांपल लिया है, व्हाइल का जो एग्जांपल है उसी को फॉर में कैसे कन्वर्ट करें ये लिखा है। तो व्हाइल का जो एग्जाम्पल है वो सिंपल एग्जाम्पल है, जो 1 to 10 प्रिंट करता है। हम चाहते हैं वही काम हो लेकिन फॉर लूप से हो, तो इसको 1 by 1 समझें। व्हाइल में हम इनिशियलाइज करते हैं, काउंटर नाम का कोई वेरिएबल, अनसाइंड वेरिएबल लिया है, उस अनसाइंड इंटीजर लिया, उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसको 1 लिखा है। उसी को यहाँ पर फॉर लूप जब काम में लेते हैं तो फॉर और उसके पेरेंथिसिस में उसका छोटा, उसके बाद में जो छोटा कोष्ठक स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले उसी स्टेटमेंट को लिख देते हैं, और ये होता है इनिशियलाइजेशन। मतलब फॉर लूप, जब फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट या फॉर लूप स्टार्ट करते हैं तो उसके पैरेंथेसिस में जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद में एक सेमी कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन के बाद में दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, जो व्हाइल के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा था व्हाइल के पैरेंथेसिस के अंदर उसको दूसरे नंबर पे यहां फॉर में लिखते हैं, इसको कंडीशन कहते हैं। और व्हाइल की बॉडी के अंदर, व्हाइल के ब्लॉक के अंदर जो इंक्रीमेंट लिखा लिखा था या इंक्रीमेंट काम में लिया था वो यहाँ फॉर में कंडीशन के बाद में सेमी कॉलन लगा के लिख देते हैं। इस तरह से ये फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट है, ये काउंटर कंट्रोल्ड रिपीटेशन की जो भी डिटेल्स है उनको सबको यूज करता है और काम में लेता है। इसमें जो कंट्रोल वेरिएबल है उसको सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, उस पर कंडीशन लगाते हैं, यदि कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में क्या करने को है वो काम करता है, और उसके बाद में इंक्रीमेंट करता है, उस वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करने के बाद वापस कंडीशन के पास आता है। इस तरह से इसकी प्रोसेस का तरीका रहता है। प्रोसेस नंबर 1 है इनिशियलाइजेशन, प्रोसेस नंबर 2 है कंडीशन चेक, और थर्ड है जो भी बॉडी में काम एग्जीक्यूशन के लिए काम दिया वो एग्जीक्यूट करना, और उसके बाद में इंक्रीमेंट करना, और इंक्रीमेंट के बाद में वापस कंडीशन पे आ जाना। इस तरह से हम देखें तो व्हाइल में कंडीशन लिखने का तरीका रहता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन जिसको मैं एक्सप्रेशन 1 कह रहा हूँ, व्हाइल के पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन 2 जिसको मैं कंडीशन कह रहा हूँ, कंडीशन को मैं एक्सप्रेशन 2 कह रहा हूँ, और
बॉडी में जो भी एग्जीक्यूशन के लिए लिखने हैं वो स्टेटमेंट्स, जिनको मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ, और बाद में इंक्रीमेंट जिसको मैं एग्जाम एक्सप्रेशन 3 कह रहा हूँ। फोर के अंदर इन्हीं को लिखने का पैटर्न होता है, फोर बाद में एक्सप्रेशन 1, सेमी कॉलन एक्सप्रेशन 2, सेमी कॉलन एक्सप्रेशन 3 और बाद में स्टेटमेंट। मतलब इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों पैरेंथेसिस के अंदर आ जाते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये फोर स्टेटमेंट का एग्जांपल है। काउंटर को इनिशियलाइज किया, फॉर लूप स्टार्ट किया, पैरेंथेसिस में पहले इनिशियलाइज किया काउंटर इक्वल टू 1, सेमी कॉलन लगाया, बाद में काउंटर पे कंडीशन लगा दी सेमी कॉलन, और बाद में काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, उसके बाद में बॉडी में काउंटर को प्रिंट कर दिया। इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल हो गया और रन होने पर सेम आउटपुट दे रहा है, जैसा मतलब ये वैसा ही प्रोग्राम है जैसा वाइल के लिए है, मतलब वाइल और फॉर के दोनों प्रोग्राम एक जैसा ही काम कर रहे हैं। फॉर जो रिपीटेशन स्टेटमेंट है उसके वन बाय वन पार्ट, हर पार्ट को हम देखें तो पहला सबसे पहले हम एफ ओ आर लिखते हैं, ये फॉर कीवर्ड है। ये सी प्रोग्रामिंग में जो रिपीटेशन स्टेटमेंट का एक कीवर्ड है, जिसको हम एफ ओ आर से लिखते हैं। बाद में उसका पैरेंथेसिस स्टार्ट होता है, सबसे पहले एक वेरिएबल लिखा है जिसको हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। तो जो काउंटर वेरिएबल नेम है वो यूज करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन के लिए जो भी इनिशियल वैल्यू उसको देनी है वो दे देते हैं। बाद में एक सेपरेटर है जिसको सेमी कॉलन सेपरेटर कहते हैं। ये सेपरेटर कंडीशन और इनिशियलाइजेशन को सेपरेट करता है। इसके बाद में जो कंडीशन है वो लूप कंटिन्यूशन की जो कंडीशन है वो लिख देते हैं। यहाँ पर हमने जैसे काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 लिखी है, वो 10 उसकी वो फाइनल वैल्यू है कंट्रोल काउंटर की या कंट्रोल वेरिएबल की, जो जिसके लिए ये जब तक ट्रू होगा तब तक लूप चलेगा। उसके बाद हम फिर से सेमी कॉलन सेपरेटर लगा दिया। ये सेमी कॉलन कंडीशन और इंक्रीमेंट को सेपरेट करता है, और उसके बाद में हम इंक्रीमेंट कंट्रोल वेरिएबल लिख दिया। ये फोर का जनरल फॉर्म है।